नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम चर्चा करेंगे प्रोस्टेटिक एब्सेस की, कि प्रोस्टेट में अगर प्रोस्टेटाइटिस है, प्रोस्टेट इन्फेक्शन अगर बढ़ जाए तो एक स्थिति आ सकती है जिसमें कि प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से उसमें मवाद आ सकती है, और फिर उसमें किस तरह से पेशेंट प्रेजेंट करता है। तो एक पेशेंट भी हमने अभी ऑपरेट करा है, ऐसा पहले भी मैंने इसके बारे में चर्चा की है, उसकी भी हम आपको लाइव भी दिखाएंगे एंड में। तो प्रोस्टेटिक एब्सेस में क्या होता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो ग्लोबोस रैसिमस ग्लैंड है, कंपाउंड ग्लैंड होता है, और इसमें मल्टीपल छोटे छोटे ग्लैंड होते हैं अंगूर के दाने की तरह। अगर एक इन्फेक्ट हो जाता है तो सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है वो जल्दी ही पूरा इन्फेक्शन पकड़ सकता है। और एब्सेस में क्या है कि एक समझ लीजिए कि अंदर पस की कैविटी है, उसमें बैक्टीरिया डेड हो गए हैं और उन्होंने चारों तरफ अपनी एक दीवार बना ली है जिसमें कि एंटीबायोटिक रीच नहीं कर सकता। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको एब्सेस है तो उसको हमें ड्रेन करना होता है। तो इसमें सिम्टम्स क्या रहते हैं, सिम्टम्स में आपको बुखार आएगा जो बहुत ज़्यादा होगा, आपको जाड़ा लेके बुखार आएगा, आपको यूरिन करने में बहुत ज़्यादा पेन होगा, यूरिन कभी कभी रुक भी सकता है प्रोस्टेट ग्लैंड की, अगर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है तो ऐसे में यूरिन रुक भी सकता है, यूरिन के आने में कठिनाई हो सकती है, और आपको यह स्थिति हो सकती है कि इमरजेंसी में भर्ती होना पड़े अस्पताल में। इसके क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस कराए जाते हैं, तो पहले हम इसमें लोकल एग्जामिनेशन करते हैं जिसमें कि हमें प्रोस्टेटिक बल्ज मिलता है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में, और फिर इसका ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड होता है, जैसा कि आप एक इसमें देख रहे हैं लेफ्ट साइड में कि ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड किया गया और इसमें मल्टीपल पस पॉकेट्स मिले। ट्रीटमेंट में जैसे मैंने बताया कि एब्सेस को हमेशा ड्रेन करना होता है, तो अगर छोटा एब्सेस है और सिंगल एब्सेस कैविटी है तो इसको हम ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड से नीडल गाइडेड इसको हम एस्पिरेट कर सकते हैं। और जिन पेशेंट्स में हमें लगता है कि मल्टीपल कैविटी है, तो इस पेशेंट में मल्टीपल कैविटीज़ थी, ये ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट में होता है, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज पेशेंट में होता है, लेकिन इस पेशेंट में ना ही इनको डायबिटीज़ थी ना ही इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज थे, इसके बावजूद इनको यूटीआई था जो कि ट्रीटेड नहीं हुआ सही तरीके से। तो यूटीआई जब प्रोस्टेटाइटिस में अगर कॉम्प्लिकेट हो जाता है तो इनको मल्टीपल एब्सेस कैविटी बन गई, और फिर हमने इनको लेज़र के ज़रिए हमने प्रोस्टेट को एक तरह से ले ओपन कर दिया, इसको बोलते हैं ट्रांस यूरिथ्रल इंसिजन ऑफ द प्रोस्टेट, TURIP करा गया। और जैसा कि आप इस चलचित्र में देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा एब्सेस जो है, जितना ज़्यादा मवाद जो है ये बाहर निकला, तो ऐसे केसेस में दवाइयों से कुछ नहीं होगा। अगर आपको इस तरह की समस्या आ रही है तो आपको यूरोलॉजिस्ट को जो एक्सपीरियंस है ऐसे केसेस को हैंडल करने के लिए उनको दिखाना होगा, और अगर आप सही समय पर दिखाते हैं तो ये समस्या आपकी काफ़ी लेवल पे ठीक हो सकती है। जैसे ही ये एब्सेस कैविटी ड्रेन होती है, 1 से 2 दिन में पेशेंट जो है नॉर्मल अपनी एक्टिविटी कर सकता है और वो ठीक हो सकता है। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।